हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मेरा भाई है वैशाली सा, इसकी पोस्ट पे एक बंदे ने कमेंट किया था तुम्हारी बॉडी नहीं है, मैंने उसको बुला लिया अपनी बॉडी बनवाने के लिए। ठीक है भाई अभी ट्रेन चलने वाला है। वर्कआउट बाद रिव्यू दियो, वर्कआउट कैसा लगा? ठीक है गाइस, बैक वर्कआउट मारेंगे, बताऊंगा बैक कैसे थोड़ी करते हैं, करना पड़ता भाई। मेरी सत्तू साइकिल चलवाई है भाई ने, तो देखते हैं उसका क्या होता है। इसकी मैं तेरे को डाइट बता रहा हूँ, डाइट कैसी चलती है बता। बढ़िया भाई, डाइट तो बहुत अच्छी है, डाइट बढ़िया चलती है ना। डाइट बढ़िया बताइए ना, डाइट तो अपनों को नहीं। चाय पराठा खाओ, ओट्स का शेक पियो बस भाई, है ना। थोड़ा सा सत्तू भी ले सकते हो भाई, बेस्ट है भाई। सत्तू से प्यार है, सत्तू से बहुत ऑब्सेस्ड है भाई, लव है भाई सत्तू। पहले क्या मारेगा बता, डेडलिफ्ट मारेगा नहीं मारेगा? भाई डेडलिफ्ट मत मारा कर भाई, डेडलिफ्ट से कुछ नहीं होता भाई, वो हवा बाजी के लिए होती है। अब जो मैंने लिखा था उसमें डायरेक्ट थी डायरेक्ट नहीं, तो कैसे कर रहा है? बेंच प्रेस मारेंगे। अबे बैक भाई, बैक मार रहे, बैक में बेंच प्रेस नहीं होती, डायरेक्ट मारेंगे। बढ़िया डायरेक्ट नहीं मारेंगे, और बैक वर्कआउट दिखाऊंगा तुम्हें एकदम तगड़ा। थिकनेस के लिए बनाएंगे और वाइड बैक भी वाइड होगी, थिकनेस होगी। ठीक है, रोइंग कर लेंगे, रोइंग सबसे ज्यादा करनी है भाई। बैक अच्छी बनाए तो रोइंग सबसे ज्यादा करो भाई, रोइंग रोने से अच्छा रोइंग करो, सही बात है। नहीं है बेस्ट है भाई, बेस्ट है भाई। और जिम आओ भाई, सबसे मेन बात है, रो मत किसी के लिए भाई, कुछ किसी के लिए आता रहेगा, जाता रहेगा, अभी बनानी है भाई। रोने से अच्छा रोइंग करो, शक्ल दिखाइए भाई। वो ले रहे लेट पुल डाउन से 10 रैप मारने वाले ग्रिप, और 10 रैप मारने उल्टी वाले ग्रिप। ओए उल्टी वाली ग्रिप भी मारने, ठीक है तुम्हारी उल्टी वाली भाई, उल्टी वाली ही मारनी थी। गाय देखो ऐसे चूदे पंती मत करना, मेरी वीडियो बनाई हो ऐसा करके इतना वीक दी हो चिंगम गुटका चुकान चुकने गया था। ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बाहर के जा रहा है भाई। जिम में रोने से अच्छा रोइंग करो, पैक बन जाएगी तगड़ी, बेंचो मजा आ जाएगा। जिम में आओ, ऐसी बॉडी बनाओ तो भैंस में बाढ़ फाड़, जो बंदे चले गए उन्हें जाने दो। क्या हो गया, सेट नहीं हुआ? जो बंदे चले गए उन्हें जाने दो, रोना नहीं है, खाली रोइंग करनी है। रोइंग क्या होती है? रोइंग ऐसे होती है, देखो भाई मारेगा अभी, मार के दिखा दे इनको रोइंग। देख रहे हो गाइस, ये करो भाई, रोने से अच्छा रोइंग करो, बैक क्रिएट होगी बढ़िया भाई। तारीफ कर दिया थोड़ी सी एंजो भाई, अब आपकी तारीफ भी क्या करें भाई, तारीफ खा ले आ रहे हो भाई, खा ले आ रहे हो भाई। मैं ना एकदम ऐसा था, ये दीपू भाई जैसे, इन भाई ने डाइट बताई, प्रोग्राम बताया, ये लाइक कर दो वीडियो, तुम्हें बॉडी बनाया तो ऐसी टिप्स दूंगा ना मजेदार एकदम, गान फाड़ बॉडी बॉडी बनानी ऐसी। मदरों को फॉलो करो, बेरो जिम में आओ 6 बजे भाई, इनकी भी बनवाएंगे अपन। ये तो मार गया है, ये कटिंग कर रहा है गाइस, देखो मैं बता दूं कैसे मारते हैं ऐसे वाले एक्सरसाइज। ऐसे एक्सरसाइज में हाथ बिल्कुल चिपका के लाना होता है, बैक को बिल्कुल चिपका के, जितने चिपका के लेके आओगे उतना लेट्स आएगा। ला और चिपका ले, और हाथ और चिपका के ले गया, देख रहे हो गाइस, ये पार्ट इसमें भी दिख रहा कंप्रेशन में, ऐसी बैक बन जाएगी। हाथ चिपका के लाओ बैक से बिल्कुल, अगर बैक मार रहे हो तो हाथ बिल्कुल क्लोज, अगर हाथ बाहर लेके जाओगे तो वो लेट्स पे नहीं आएगा, अपर बैक पे आ जाएगा। अपने को भी लैट्स फील करवाने हैं, इसलिए हाथ पे कुछ चिपका कर लेके आ रहे हैं। बोल रहा अभी होना क्या गाइस, पीछे ना होल्ड लेके मारना एकदम, ताकि वो मसल ना एकदम लोड हो जाए उसमें, जितना मसल पे लोड दोगे उतना ठीक हो जाएगी वो। 30 लगा 30। अब मैं दूसरे एक्सरसाइज बता दूं मैं क्या मारनी है भाई।
भाई वीडियो में तो मेरी फॉर्म भी गलत आ गई यार। गाइस जैसे मैंने दिखाया ना वैसे तुम मत करना, मतलब तुम मेरे हाथ थोड़े बैठ जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, कोशिश करना जितने अंदर हो सके उतने अंदर लेके आना, ठीक है। मेरे भी मतलब पूरा अंदर नहीं हो पा रहे, लेकिन तुम कोशिश करना जितने अंदर हो सके उतने ज़्यादा अंदर रहें, जितने क्लोज रहेंगे बैग से उतने अच्छा लेट्स पे फील होएगा, ठीक है। मैं ब्लॉगर पहले आ जाऊँ, क्या इतने क्या यूट्यूबर यूट्यूबर गाइस दूसरे एक्सरसाइज मानने वन आर्म रोइंग I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, come shot. हाथ पूरा आगे लेके नहीं आना, हाथ क्या आप लेके जाना, लेकिन पूरा पीछे लेके आना है और होल्ड लेना एक सेकंड का ताकि मजा आ जाए बस। भाई वीडियो बनाइयो, वीडियो बना दे यार। गाइस सीसी एक्सरसाइज मार रहे हैं, रोप से मारते हैं, इसका मुझे नाम नहीं पता लेकिन पूरी मिड बैक पे आती है, पकड़ना पकड़ यार पकड़। बोले बच्चे इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, चेस्ट चेस्ट बिल्कुल अप रखनी है बिल्कुल भीड़ा। हाँ मैंने अभी तो मारा भोसले की फोटो लेके तुम्हें, चेस्ट बिल्कुल अप रखनी है और पैर बैंड करने हैं और हाथ में बिल्कुल चिपका के लेके आने नीचे ताकि मिड बैक में बहुत अच्छा फील आए। कोई बैंड होकर नहीं है, देख तुझे फील मैं बताता हूँ, जा पीछे जा भाई, देखो पीछे पीछे और पीछे और बस गाइस देखो, ऐसे चेस्ट अप रखनी है और हाथ बिल्कुल नीचे और बिल्कुल चिपका के ये ऐसे ही हल्का सा बैंड हो जाओ आगे, ये है ना ये वाला पार्ट, इस पार्ट के लिए बहुत तगड़े एक्सरसाइज। बैंड इतना स्मार्ट स्कूल टाइम में हो जाता तो कितना मजा आ जाता, मेरे भाई का भी नाम होता स्कूल में बैंड भाई अंदर वाली। अब गाइस मारे छोटे एक्सरसाइज, ये चेस्ट अप होली टी बार, अब ऊपर वाली मारनी है गाइस देखो, ये वाली होती है अपर बैक के लिए होती है और जो अंदर वाली होती है ये वाली ये लैट्स के लिए होती है। अब हम पूरी अपर बैक पे काम कर रहे हैं, थिकनेस पे काम कर रहे हैं तो ऊपर वाली मार रहा हूँ। ये देखो गाइस इसे नीचे छोड़, बस हाफ जा हाफ, बस अंदर पकड़। फार्मर वॉक तो मारी, फार्मर वॉक मारने तुरे भाई, या तो फार्मर वॉक या तो डेडलिफ्ट। गाइस कमेंट करके बताओ क्या मारना चाहिए, डेडलिफ्ट या फार्मर वॉक, तुम फिर भी कमेंट करके बता दो ब्लॉग। अब मारनी है फार्मर वॉक मारे डेडलिफ्ट मारे, ब्लॉग लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कुछ पूछना हो या ना पूछना हो तो। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था भाई जिम कौन से साल कौन सी एज में स्टार्ट करनी चाहिए, जब तुम्हारा मन करे जब स्टार्ट कर दो, अच्छा नहीं लगा, इन्होंने बताया भाई, अब मुझे लग रहा है कि एक महीने अगर मैंने ये कर लिया तो बॉडी बन जाएगी, बन जाएगी ना बॉडी आराम से भाई, दो तीन तारीख डाइट वगैरह सब मिल रही है। ये पता मैं क्या सुन, भाई ने डाइट वगैरह अच्छी, भाई की बॉडी तो बहुत अच्छी है भाई, तभी इनसे भाई इंस्पिरेशन ले रहा हूँ मैं और बाकी सब बढ़िया भाई। ये गाइस बंदा कितना स्मार्ट है, मतलब बंदे की बॉडी में मारूंगा गोल्डन लाइन होगा, देखिए मेरे को पानी तो एक
भाई पानी लग गया है। आप पानी तो लग गया है, आप देख ले गोल्डन लाइट नहीं है। चाय पराठा गाइस, चाय पराठा खा के डोले बना लिए। भाई बैग तो दिखा अपनी एक बार। गाइस देखो इसकी बैग कैसे पेंट कर रहे हैं मैंने। अबे बंपर पंप पूरा, अबे तो मेरा बिकी बैग देख रहे हो, मेरे बिकी देख रहे हो गाइस। मेरे साथ वर्कआउट किया इसने आज। ओए 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 ओए, पहली बार वर्कआउट हुआ, पहले दिन भी ऐसे ही देख रहे हो। मतलब बहन तो बात तो है इस बंदे में यार, सीओ बात है भाई, बात है ना कुछ भाई साहब। भाई वर्कआउट भी है, डाइट भी है भाई, और भाई इंस्पिरेशन दो भाई, सबसे बड़ी बात डाइट वगैरह तो भाई। भाई बंदी छोड़ के रोना नहीं है भाई, रोइंग करनी है बस, कुछ नहीं भाई रोइंग करनी है। जितनी ज्यादा रोइंग करोगे भाई उतनी तगड़ी बैक हो जाएगी। रोने से अच्छा रोइंग कर लो, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं भाई? ठीक है चलो ना, इसे उठा के मजा आ रहा है। बैंचो ऐप देख रहा बंदे के कैमरा सामने नहीं आएगा। अरे क्या बात है, पम पम देख रहा है। लाइटिंग डाउन करता हूँ ताकि मुझे कोई दिखे। मेरी डाइट ली है तूने बस 2 महीने, गाइस ने वेट गेन कर लिया 10 किलो। ओ भाई ऑन है भाई, कितना वेट गेन कर दिया मेरी डाइट की वजह से भाई? पूरे 6 किलो, 6 किलो वेट गेन किया गाइस। मैंने 10 किलो बोला था, 3 महीने का है अबे। एक महीने में 6 किलो बीमार भी हो गया, एक महीने बीमार भी हो गए थे फिर भी इसका 6 किलो वेट गेन हो गया। मैंने ऐसी डाइट बताई थी। बाकी पिछले ब्लॉग में मेरे से एक भाई ने पूछा था, एक सेकंड क्या बाकी गाइस, पिछले ब्लॉग में मेरे से एक भाई ने पूछा था हम खाली क्रिएटिन ले सकते हैं और प्रोटीन ना लें, खाली क्रिएटिन ले प्रोटीन ना लें और खाली एग्स खा लें तो काम हो सकता है। भाई तुम्हारे बजट के ऊपर, अगर तुम प्रोटीन ले सकते हो तो प्रोटीन ले लेना, और क्रिएटिन ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिन और प्रोटीन ये दोनों भाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम प्रोटीन इनटेक अपना बाकी बाहर के खाने से पूरा कर सकते हो, अंडे पनीर वगैरह से, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत, लेकिन क्रिएटिन जरूर लेना। अगर प्रोटीन इनटेक तुम्हारा पूरा नहीं हो पा रहा तो तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अबे तो कुछ बोल रहा था ना पहले, अभी थोड़ी देर पहले भाई मुट्ठी मारना बंद कर दो, छोड़ दो। वरना शिवम भाई तो इतनी अच्छी डाइट देते हैं, और तुम है तो नीचे बता देते हो। अबे सब्सक्राइब नहीं करते ना ये लोग, तुम भाई सब्सक्राइब करके रखो यार, सब्सक्राइब करो तो ऐसे टिप दूंगा मजा आ जाएगा। बॉडी मैं तो फटके मार आ जाएगी, बस बंदी के लिए रोना नहीं, सिर्फ रोइंग करनी है। रोना भी बेकार है यार, जो बंदा जिस बंदे को जाना होता है जाता है भाई, तुम कुछ भी कर लो, कब तक रुक जाएगा बंदा वो देखो। सही बात है कि नहीं है ये? अगर भाई उस बंदे को जाना तो वो जाएगा ही जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, चाहे रो लो चाहे कुछ भी कर लो, रुकना होगा तो रुक ही जाएगा। और भाई जो वैल्यू करेगा वो तो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा साथ देगा ही। सोचो भाई, दिमाग लगाओ। बाकी भाई दोस्त भाई तुम पे एक दो ही बचेंगे, बस एक दो दोस्त अच्छे बंदे बचेंगे। ये झाटू है ना, ये झाटू ये वैशाली से वर्कआउट करने के लिए देख रहे हो, मतलब ये होता भाईचारा। भाई तुम 10-15 मतलब पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर की गर्लफ्रेंड ले रो रहे हो, तो गलत बात है यार। भाई चार से बल्ली पे आ गया जरा क्रिएटिन भाई, कुछ और लग रहा है देखो ना। नहीं उसको ऐसे भाई, ये कुछ और लग रहा है बेटे, क्रिएटिन नहीं है, बाहर से मंगवा दिया भाई, नकली तो नहीं है, चेक कर स्टोर से ले जा। तो भाई पानी तो लोड करना ही है। अबे तू पागल वागल है क्या गाइस? उसने आधे लीटर पानी ले लिया मैंचो, ये पागल हो गया। तुम आधे लीटर मत ले, तुम बस 200 ml लेना, 200 ml भी नहीं, हाँ 200 ml। उससे क्या होगा ना कि तुम जल्दी पी लोगे उसको, बढ़िया रहता है। अब इसने इतने पानी में ले लिया है, अब पानी पीता रहेगा पूरे टाइम। बता दे कम से कम 5 लीटर पानी पीना गाइस, अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो, लोडिंग कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, उससे बढ़िया रहता है, तुम्हारी स्किन भी अच्छी ग्लो हो जाएगी मेरी तरह, मजा आ जाएगा। वर्कआउट तो हो गया है, अब जा रहा हूँ घर। अरे वाह भाई, जब तो ऑन कर तुरंत ही चमक मार गया। गाइस वर्कआउट तो हो गया है, सत्यम को छोड़ दिया है, जो वैशाली से भाई आया था अपना, अब मैं दीपू भाई को छोड़ने आ गया हूँ। ठीक है दीपू भाई, मिलते हैं भाई कल, मिलते हैं भाई कल, मारते हैं
चेस्ट चेस्ट मार दें गाइस। हीरो तो अपनी बचपन से ही है। चलो ठीक है मिलते हैं। हीरो बहन की तू चाय पराठा खा के हीरो बन गए। चल ठीक है ओके ब्रदर। भाइयों के साथ यार अलग ही मजा आता है। भाइयों के साथ जब वर्कआउट करो फिर शाम के 2 घंटे होते हैं ना जिम वाले बहन जो ऐसा मतलब लगता है पूरे दिन दुखी रहेंगे पूरे दिन। बहन जो बस इस टाइम ऐसा खुशी हो जाती है ना जितना भी दुखी बन होता है सब एकदम बढ़िया हो गया। तो तुमसे बाकी एक सेकंड मिलते मैं काला हो गया एक सेकंड। भाई घर तो आ गए जिम मार के बढ़िया बैग मारी। पापा आप देखते हो मेरे व्लॉग? आपको आपने एक आध व्लॉग देखा है मेरा कभी? एक तो व्लॉग देखा है इसमें आपने श्रीराम कमेंट करा था नहीं करा था? बाकी भाई यहीं तक था वाला व्लॉग। अपना ध्यान रखना मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय टेक केयर लव यू। जहाँ बैठे नकली बंदे हम वहाँ नहीं जाते हम रखे भाईचारा पूरा।